हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू इंडियंस किंगडम एट इंग्लैंड। आज जो अभी यहाँ पे डे है वो है फ्राइडे, और टाइम जो है वो रात के 9 बजे हुए। तो मैं निकला हूँ अभी वॉक पे। एक्चुअली काफ़ी दिनों से व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, अच्छा सा टॉपिक नहीं मिल रहा था, इसीलिए नहीं आ रहे थे व्लॉग्स। सो सॉरी अबाउट दैट। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो यहाँ की जो ट्रैफिक सिस्टम है, यहाँ पे जो रूल्स है वो क्यों फॉलो होते हैं, उसके बारे में है। तो बने रहिएगा एंड तक। और वो ये बात हो गई यहाँ पे इसका जो टॉपिक है उसकी। और अभी जो यहाँ पे जो मौसम है उसमें हीट वेव यहाँ पे फिर से आ गया है। तो वेदर जो है वो 34-35 हो रहा है डिग्री सेंटीग्रेड। जो लोकल लाइट है उसके लिए अनबेरेबल है। ऑफ कोर्स हमारे लिए भी जो मौसम है वो डिफ़िकल्ट ही है, इतना इजी नहीं है एक्चुअली। तो जैकेट तो भूल ही जाओ, जो समर वेयर है वो आपको पहनने पड़ेंगे, उस टाइप का वेदर है। और एक चीज़, मैं जैसे बताया था कि मैं ब्रिस्टल में रहता हूँ, तो ब्रिस्टल में जो है यहाँ पे अभी बलून फेस्टिवल चल रहा है, बलून फिएस्टा जो बोलते हैं। यहाँ पे बड़ा सा कुछ 85 एकर्स या उससे भी बड़ा होगा, पता नहीं, एक ग्राउंड जैसा है। तो वहाँ पे जो है वो हॉट एयर बलून जो हम बोलते हैं, मैंने शॉर्ट्स एक दो पहले बनाए थे, तो हॉट एयर बलून जो है वो वर्ल्ड के सारी जगह से, यूरोप से यहाँ पे आते हैं और वो एक साथ फ्लाई करते हैं एक्चुअली। तो हम प्लान कर रहे हैं कल शायद वहाँ जाएंगे हम। अगर गया तो मैं उसका भी व्लॉग बना दूँगा। तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो जैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है कि यहाँ पे जो फाइन है, पेनल्टी जो है, अगर ट्रैफिक रूल ब्रेक हो गया, बहुत बड़ी पेनल्टी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विदाउट इंश्योरेंस अगर आप पकड़े गए ड्राइव करते हुए, तो जो पेनल्टी की अमाउंट है वो एज़ पर रूल इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब पुलिस ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि कितना मैक्सिमम पेनल्टी तुम्हें लगाया जा सकता है, डिपेंडिंग आपने जो क्राइम किया है, जो हिट एंड रन है। ये सारे केसेस जो है वो बहुत ही सीवियर है, सिविल क्राइम तक की उसको सीवियरिटी गिनी जाती है। तो वो तो है, जो फाइन है वो एग्जॉर्बिटेंट मतलब इतना हाई है कि छोटी सी चीज़ में भी अगर आप पकड़े गए तो बहुत बड़ा फ़ाइन होता है। जैसे बस लेन्स रहती है, बस लेन्स में अगर आपने कार चला दी तो 60 पाउंड मतलब 6,000 रुपये जितना पाउंड आपको लग जाता है एक्चुअली, ठीक है। और एक चीज़ मैंने रिसेंटली पढ़ी थी कि अगर आप सनलाइट बहुत ज़्यादा है और चला रहे हो, और अगर आपने सन शेड वाले जो है गोगल्स नहीं पहने एक्चुअली, और बिकॉज ऑफ सन के कारण लग रहा है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, या कहीं पे आप क्राइम में आ गए हो, क्राइम इन सेंस एक्सीडेंट में कहीं पे, और वो अगर डिराइव हो गया कि हाँ अगर चश्मे पहने होते तो ये शायद ना होता, तो इट्स लाइक अगेन अ पेनल्टी होती है। उसका जो अमाउंट है वो 3,000 पाउंड तक का लग सकता है, मतलब 3,00,000 इंडियन रुपीज़। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई कि फ़ाइन कितना लगता है अगर कहीं पे भी कुछ भी गलती हुआ तो आपको क्या लगता है कि उसके कारण जो है यहाँ पे सब रूल को फॉलो करते हैं? नहीं, ठीक है, फ़ाइन ज़्यादा है, पर लेट्स से आपने रूल ब्रेक किया, ठीक है, तो पकड़ने वाले भी होने चाहिए ना। जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा कि हर गली हर नुक्कड़ पे पुलिस वाले रहते हैं पकड़ने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इतने टाइम में कहीं पे भी पुलिस वाला ऐसा नहीं देखा है जो साइड पे खड़ा रख के गाड़ियों को रोक रोक के बोल रहा है ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, ये दो वो दो, ऐसा करके। मीनिंग कैमरेज रहते हैं हर जगह पे पकड़ने के लिए, पर एनफोर्स करने के लिए हर एक जगह पे ऐसा नहीं है कि इनके पास पुलिस है एनफोर्स करने के लिए। तो रूल्स तो है, रूल्स तो इंडिया में भी है बहुत सारे, राइट?
पर वो इतना फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो फाइन बढ़ाने से कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारे फाइन्स डाले गए थे, पर इट्स नॉट नेसेसरी कि सब लोग उसको फॉलो करेंगे। कुछ ना कुछ उसको सिस्टम को उसमें से पोल निकाल निकाल के खुद बच जाएंगे एक्चुअली। तो और क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक को इतना फॉलो किया जाता है और दूसरी कंट्री जैसे कि इंडिया में नहीं करते? तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो मुझे यहाँ पे पता चला है वो है कि यहाँ के जो सिटीज़न है, यहाँ के जो ड्राइवर्स है, यहाँ पे जो ऑन रोड गाड़ियाँ चलाते हैं, वो लोग एक दूसरे को एनफोर्स करते हैं कि फॉलो द रूल्स। मतलब जो पीयर प्रेशर हम बोलते हैं कि सोसाइटी का जो प्रेशर है, वो इतना रहता है कि आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे एक्चुअली। तो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आप नए हो, यहाँ पर ड्राइव करना शुरू कर दिया, आपको रूल्स नहीं पता, या तो फिर यू डोंट केयर। कुछ लोग होते हैं कि इट्स लाइक रूल वूल कुछ मैं नहीं फॉलो करने वाला हूँ भाई। आपने शुरू कर दिया, लेट्स से आप कैसे भी चला रहे हो गाड़ी, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो सामने वाला बंदा है, ठीक है, वो आपको एनफोर्स करवाएगा। कैसे करवाएगा? फॉर एग्जांपल एक रूल है कि राउंड अबाउट है, वहाँ पे आपको ये लेन पकड़ना है, वो लेन पकड़ना है। तो अगर आपने वो गलती से या तो फिर जानबूझ के भी गलत लेन पकड़ा है, तो सामने वाला जो है वो आपको एनफोर्स करवाएगा बाय शोइंग कि भाई मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, इट इज़ योर फॉल्ट, तुम्हें ये ठीक करना पड़ेगा, एक्चुअली यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग में ये रूल रहता है कि यू हैव टू गिव वे टू पेडेस्ट्रियन, और अगर आप उसमें गलती कर रहे हो तो वो जो है वो पेडेस्ट्रियन जो है वो आपकी कार के बीच में आके भी आपको बोलेगा कि भाई तुम रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, इट इज़ योर मिस्टेक, मेरे पास इसका वीडियो क्लिप है, आई विल सेंड इट टू द पुलिस। ओके, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि पीयर प्रेशर जो है वो बहुत ही हाई है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आप देखो, फॉर एग्जांपल ये जो रोड है, ठीक है, वो इट्स काइंड ऑफ मेजर रोड, ये बहुत ही बड़ा रोड है जो मोटरवे के साथ कनेक्ट हो रहा है, पर आप देख रहे हो कि ये फिर भी सिंगल लेन है एक्चुअली दोनों साइड पे, ठीक है, वन डायरेक्शन सिंगल लेन है। और लेट्स से स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट कैसे एनफोर्स किया जाएगा? तो स्पीड लिमिट एनफोर्स करने के लिए क्योंकि ये सिंगल लेन है, कोई भी एक बंदा लेट से स्पीड लिमिट है उसको फॉलो कर रहा है, तो उसके पीछे जो भी है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा रीज़न हो जाता है कि यहाँ पे जो है स्पीड और ये सब एक्चुअली क्यों एनफोर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे है, यहाँ पे एक्चुअली वो भी मैंने देखा है कि दे गिव यू इंडिकेशन, आपने जब गलती किया है, इफ़ यू आर डूइंग द मिस्टेक, तो लोग आपको बता दे कि भाई तूने ये गलती किया है। अगेन जैसे मैंने बताया कि पीयर प्रेशर, सोसाइटी का जो प्रेशर है, लेट्स से आप कहीं पे गलत सिग्नल दे दिया और आप वो टर्न नहीं ले रहे हो, तो पीछे वाला जो है वो छोटा सा एक हॉन्क करेगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती किया है। सिमिलरली आप लेट्स से कहीं पे मोटरवे पे जा रहे हो, आपने लेन चेंज किया और उस टाइम पे मतलब कुछ गलती किया, तो वो जो अपनी जो हाई बीम लाइट्स है उसको फ्लैश करके आपको बताएगा कि ये तुम्हारा गलती है, ऐसा करके। सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि फाइन्स तो है ही, यहाँ पे लाइसेंस लेना भी उतना ही मुश्किल है, आई डोंट डिनाई, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो दूसरी कंट्री या फिर इंडिया में मिसिंग है वो है सोसाइटी प्रेशर। सिटीजन्स जो है वो रूल खुद तो फॉलो करते ही है, दूसरों को भी एनफोर्स करवाते हैं कि भाई तुम्हारा ये गलती है, ठीक है, ऐसा करके। तो उसके कारण जो है वो सिस्टम बना रहता है, स्टेबल रहता है, हर कोई जो है वो रूल को फॉलो करता है। बाय द वे इसकी बात चल रही है तो ये भी बता दूँ कि यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए जो है थ्योरी टेस्ट जो है वो देना होता है, और थ्योरी टेस्ट तो हर जगह होता है, लेट्स से इंडिया में भी, पर यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस है साइंस के बारे में और बहुत सारी चीज़ें होती है वो आपको पढ़ाई करनी है तभी पता चलेगा। मोर ओवर थ्योरी के बाद जो है प्रैक्टिकल जो रहता है वो कम से कम 45 मिनट जो है आपको ऑन रोड रियल ड्राइविंग करना होता है विथ एग्जामिनर। एग्जामिनर आपके साथ बैठा है और आप ड्राइव करके उनको दिखा रहे हो कि भाई आपका ड्राइविंग कैसा है।
वो अगर सेटिस्फाई हुआ, उसको लगा कि आप सेफ ड्राइव कर रहे हो, उसको लगा कि आप मैच्योर्ड हो ड्राइव करने के लिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, आप पास हो गए। एनीवेज तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। कल अगर हम जाएंगे बलून फिएस्टा तो उसका भी व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय फॉर टुडे।